बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, यही प्रसाद पाइए जन भेवा। आज्ञा के समान कोई सेवा नहीं होती। सेवा केवल आज्ञा की पहचान करने के लिए की जाती है और भगवान उसके प्रति ही आज्ञा करते हैं जिसको आज्ञा पात्र समझते हैं। सेवा करना कोई वीरता नहीं है। कई बार तो सेवा अहंकार भी उत्पन्न कर सकती है। आज्ञा और सेवा में आकाश पाताल का अंतर है। जो सेवा आज्ञा पाकर की जाए वो अहंकार की शत्रु होती है, परंतु जो सेवा अपनी मन मति अनुसार की जाए वह मालिक की प्रसन्नता से बहुत दूर रखेगी। प्रेमियों याद रखिए, आज्ञा हर एक को नहीं दी जाती। आज्ञा मानने वाला साक्षात गुरु का ही रूप हो जाता है। तब तक गुरु ऐसी आज्ञा ही नहीं देते जब तक कि सेवक को सेवक ना जान ले। प्रेमियों, जो सेवा मन को सुखी रखने के लिए की जाती है और जो आज्ञा भलाई की इच्छा से मानी जाती है, वो सेवा न तो सेवा है और ना ही वह आज्ञा आज्ञा ही है। वो तो केवल आज्ञा तक पहुंचाने का मार्ग है। भला गुरु की मौज का अंत सेवक कैसे पा सकता है? एक बार गुरु नानक देव जी ने मुर्दा खाने की आज्ञा सभी सेवकों को दी, परंतु सब ने इनकार कर दिया। और जब गुरु अंगद देव जी को आज्ञा हुई कि मुर्दा खाओ, तो श्री अंगद देव जी ने बिना इस बात को विचार किए कि यह मुर्दा किसका है, खाना आरंभ कर दिया। और गुरु कृपा तो देखिए, वो मुर्दा तत्काल हलवा बन गया। प्रेमियों, तब हलवा खाने को सब तैयार हो गए। उसी दिन से गुरुद्वारों में हलवा का प्रसाद प्रचलित हुआ है। कबीर बाबा कहते हैं, यदि गुरुदेव दिन को रात कहें तो सेवक बिना संशय भाव के सत्य वचन कहकर उसे रात ही मान ले, वो सेवक सेवक होता है। श्री रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं, पुनि पुनि सत्य कहूं तोहे पाही, मोह सेवक सम प्रिय को नाही। प्रेमियों, एक दिन स्वामी अजुनियानंद जी ने स्वामी परम ज्ञानानंद जी को बुलाकर कहा, परम जी, श्री महाराज जी की आज्ञा है कि चूल्हा में शीघ्र आग जलाओ और पानी गर्म करो। तो स्वामी परम जी यह शब्द सुनते ही तत्काल वहां से दौड़कर लंगर में गए और तंदूर से आग लेनी चाहिए। अब उनसे आग उठाने का शीघ्र कोई प्रबंध ना हो सका तो प्रेम की मस्ती में आकर अपने शरीर की भी परवाह ना करते हुए जलते हुए अंगारों को श्री परम जी ने अपने हाथों में उठा उठा कर लोहे के चूल्हे में भर लिया। और इस प्रकार अंगारे उठाने से उनके हाथ बहुत जल गए और बड़े बड़े छाले पड़ गए। इस दृश्य को देखकर सभी संत विस्मित रह गए। तब यह समाचार किसी संत ने श्री महाराज जी तक पहुंचाया तो महाप्रभु जी ने स्वामी परम जी को अपने पास बुलाकर उन्हें बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहा, प्रेमी को तो ऐसा ही होना चाहिए। मेरी सेवा की आज्ञा की आवाज सुनते ही प्रेमी अपने शरीर की सुधि भूल गया और अपने सुख की आहुति मेरे सुख में दे दी। प्रेमी गुरु के सुख को ही अपना सुख मानता है, उसे ही प्रेमी सेवक कहते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने स्वामी परम जी से पूछा, परम जी, हाथ किसके जले? तो उन्होंने नेत्रों में प्रेम आश्रु बहाते हुए प्रार्थना की, हुजूर,
आपको ही पता होगा कि हाथ किसके जले, मुझे तो कुछ पता नहीं है। आपकी माया है प्रभु, आप ही जाने। यह प्रेम भरा उत्तर सुनकर श्री महाराज जी के भी आंखों में आंसू आ गए और अपनी कृपा का पवित्र हाथ रखते हुए इनके प्रेम और भक्ति की महाप्रभु जी ने बहुत सराहना की, जिससे सब सेवकों को परम सुख मिला। प्रेमियों, सेवा सबसे सर्वोपरि होती है, जो गुरु आज्ञा मान कर की जाती है। इसलिए हम जब भी समय मिले, हम गुरु दरबार की सेवा करें, अपने घर की सेवा करें, अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करें। जय सच्चिदानंद।